हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड जो डे टू के बारे में। बेसिकली हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डेट से रिलेटेड होती हैं, और जैसे कि आपने भी अब कभी देखा होगा कि अगर आप कभी किसी एक्सेल शीट में काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब डेट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। कभी डेट कम्प्लीटली आती नहीं है, कभी नंबर्स, कभी मंथ मिसिंग होते हैं, कभी डेट फॉर्मेट अलग हो जाता है। इस तरीके से डेट में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में, जिससे कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपने डेटा को वैलिडेट करें और चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है अंधाधुंध फार्मूला लगाना, देखना नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या आनी है, और पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो फार्मूला तो लग जाता है लेकिन वैल्यूज़ उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप अपने फार्मूले को चेक कर सकते हैं, और चेक के साथ साथ आप उसे चेक देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा बनाया हुआ है यहाँ पे जो डेट से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको इस तरह से डेटा बनाने में प्रॉब्लम होती है, एक एक करके डेटा लिखते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आज आपकी डेट यहाँ पे डालिए, यहाँ पे इज इक्वल टू करके ऊपर वाली डेट सेलेक्ट करके प्लस वन कर देंगे, तो एक एक डेट के उसे फिर नीचे ड्रैग कर देंगे, इससे हमारा डेट यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे कंट्रोल डी भी कर देंगे तो भी हमारे यहाँ पे डेट्स आ जाएगी। इससे क्या होता है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जैसे कोई भी मतलब डेटा वगैरह बनाने वाला होता है तो मतलब उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है मतलब एक रॉ डेटा शीट बनाने में। तो लेट सपोज मुझे यहाँ पे डे चाहिए, मतलब डेट नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए मंथ, कि इस डेट से खाली मंथ को दिखाए यहाँ पे और कुछ ना है। जैसे हमारी डेट्स हैं, खाली यहाँ पे मैं मंथ चेक करना चाहता हूँ, तो इस डेट से सेपरेट करके, सेपरेट नहीं मतलब आएगा तो वैल्यू अल्टीमेटली यहीं से आएगी वैल्यू। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इसके लिए होता है हम टेक्स्ट फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसके नीचे देखिए जो इंटेलिजेंस लिस्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज़ आ रही है, वैल्यूज़ हमारी हो जाएगी ये वाली फॉर्मेट। इसमें करना है एम एम एम, 3 बार एम पे प्रेस करेंगे, एंटर। यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर शिफ्ट करें, कंट्रोल डी कर देंगे, तो देखिए इसने यहाँ पे इसे बता दिया है ये क्या है, सितंबर पूरे मंथ का है। इसमें से चलो कुछ एक दो महीने को चेंज कर देते हैं, इसको मैं 01 कर देता हूँ। देखिए इसने इसे जनवरी बता दिया, इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो इस वाली लिस्ट ने इसे मैं बता दूँ। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, जब भी आप देखिए जैसे हम नंबर लिखते हैं, नंबर लिखा तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चले जाता है ऑटोमेटिकली। कभी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारा नंबर होता है राइट हैंड साइड में जाता है, और लेफ्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये। लेकिन कभी कभी आप ऐसा होता है जैसे किसी अलग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, जैसे कि क्लाइंट के सिस्टम में काम करो, यूके यूएस का फॉर्मेट होता है, तो कहीं कहीं पर लेफ्ट राइट का हो जाता है प्रॉब्लम, कि कभी लेफ़्ट वाला राइट में दिखता है। लेकिन जैसे कि नॉर्मली एक्सेल्स में आप एक्सेल में देखेंगे तो ऐसे ही होता है, इसमें जो नंबर वाले जितने भी लिखेंगे वो आपके लेफ्ट में रहें राइट में रहेंगे, और टेक्स्ट वाले आपके रहेंगे राइट में, जो सेल के अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो हमारा नंबर है वो लेफ्ट में है, राइट में है, और हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट में इंडेंट है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए सेप्टेम्बर आ गया यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ दिखाना है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ टॉप में लिखते हैं, यहाँ पे 9 नहीं मतलब 1 एम को हटा दीजिए यहाँ पे, उसे कंट्रोल डी करके ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ से आपका सिर्फ मंथ दिखेगा यहाँ पे। ये अभी लेफ्ट में इसलिए क्योंकि हमारा ये फार्मूला लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट में ही होता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें 4 बार mm कर देता हूँ, 4-5 बार भी कर देंगे तो 5 में देखो सिंगल ऐसा आ गया, मतलब जो हमारा मंथ की जो स्टार्टिंग की वैल्यू आ गई। 6 में देखते क्या होता है, 6 में आ गए, तो 5 वाला मेरे को भी नहीं पता था, अभी पता चला इसका। 4 में वैसे नॉर्मली होता क्या है, 4 m कर देंगे तो पूरा महीना आपका यहाँ पे दिख जाएगा, मंथ दिख जाएगा। 3 में आपका जो स्टार्टिंग के 3 वाले होते हैं वो दिखेंगे। इसी तरीके से ईयर पे आ जाते हैं,
फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम ऐसे कर देते हैं सर। ईयर को कैसे सेपरेट करेंगे, इस ईयर के लिए भी हम सेम टेक्स्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये वाली फॉर्मेट हमारा हो जाएगा वाई वाई। टू थाउजेंड सेवनटीन इसने वैल्यू ले ली है यहाँ से। ऐसे तरीके से अगर मैं इस वैल्यू को अगर 15 कर देता हूँ तो देखिए ये वाली वैल्यू हमारी हो गई है 15। तो इसी तरीके से अगर हमें आपको किसी पर्टिकुलर एक हमारे पास डेट्स हैं उनमें से हमें मंथ ईयर डे को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम इस वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस तरह की हमें डेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मंथ चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, ईयर चाहिए। इसी तरह से डे के लिए करते हैं। डे के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू हमारी ये हो जाएगी कॉमा डीडी। देखिए इसने डेट्स यहाँ पे दिखा दिए, एट एट है यहाँ पे, 21 यहाँ पर है। इस तरीके से इसने यहाँ पे हमारे डेट को हमारे यहाँ पे दिखा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया डेट को यहाँ पे। डेट को इस वाली पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डेट में से डेज को इसने सेपरेट करके हमारे इस पर्टिकुलर सेल्स में दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डे को सेपरेट कर सकते हैं। और अगर हमें इस डेट में से सपोज़ हमें करना है डेज, तो ये कैसे होगा? तो बेसिकली इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। डेज बोले तो जैसे सैटरडे संडे मंडे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे अब, इसमें तो कोई फार्मूला फंक्शन होता नहीं है। तो एक फंक्शन के थ्रू मल्टीपल फंक्शन को इसको मर्ज करके इससे कर सकते हैं वैसे, तो देखते हैं इसे होता है कि नहीं होता है। इसे हम लुकअप से करते हैं बेसिकली, लुकअप। लुकअप के बाद हम कर देते हैं इसमें वीक डे। वीक डे में हमारा ये वाली डेट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हमें करना क्या, कर्ली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये क्या हमारा, जैसे हम होते हैं ना सैटरडे संडे, 7 डेज तो होते हैं हमारे पूरे वीक में, कॉमा करके फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे कर देते हैं सेट सैटरडे फर्स्ट को करते हैं हम संडे करते हैं, संडे से स्टार्ट करते हैं ना संडे। ये ध्यान रखिए जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसे ये कोट्स के अंदर रखिए, संडे संडे मंडे ट्यूसडे टी एच यू और थर्सडे, ये फिर से इसमें कोट्स लगाना पड़ेगा। थर्सडे के बाद क्या आता है यार, वेट नहीं, ट्यूसडे के बाद तो वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे थर्सडे। जब ये बड़ा सा फंक्शन लिखते थे उसमें कुछ ना कुछ मिस होता है मुझसे। देन फ्राइडे पे आता है कि नहीं आता है इसका रिजल्ट, एंड सैटरडे। फिर हमने स्टार्ट किया है कर्ली ब्रैकेट से, तो इसे बंद हम नॉर्मल ब्रैकेट से नहीं करेंगे, इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करेंगे। और हमारा जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था इससे, तो हम बंद इससे करेंगे। देखिए फार्मूला नीचे से गायब हो गया, इसका मतलब फार्मूला चलो सही लगा लगता है। एंटर करेंगे, देखिए फ्राइडे आ गया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर यहाँ से कंट्रोल अप विंडो कंट्रोल डी, इससे देखिए हमारा ये भी आ गया, डेज भी आ गए। इससे आप इन फंक्शन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा आपको बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि फार्मूले देखने में तो बड़े इजी लगते हैं लेकिन जब होते नहीं है ना तो बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ नहीं किया इसमें, लुकअप वैल्यू ली है मैंने, इसे लुकअप में एरे फंक्शन बोलते हैं बेसिकली। इसे वीक डे हो गया हमारा, ए टू को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर 1, 2, 3, 6, 5, 7 ये हमारे होते हैं डेज होते हैं, वीक में हमारे 7 डेज ही होते हैं। फिर संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलो देखते हैं इसकी वैल्यू सही आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और 8, 9 को, 8, 9 फ्राइडे ही है। 10, 9 को, 10 को
संडे, यहाँ बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हमें ये वाला फॉर्मूला दे रहा है। तो आप इस तरीके से इन फॉर्मूले को यूज़ करके, जैसे हमारा ईयर डेज कहीं भी अगर आपको एक पूरी डेट दी हुई है, ठीक है, जैसे नाउ का फंक्शन होता है उसमें आपको डेट डेज और कहीं से आपने डेटा एक्सपोर्ट किया उसमें इस तरह से, लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको सिर्फ ईयर चाहिए, तो आप ईयर इस वाले फंक्शन जो टेक्स्ट फंक्शन है उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ मंथ चाहिए तो मंथ से कर सकते हैं, डेज से है तो डेज से कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर डेज ही निकालने हैं तो ये वाले लुकअप वाले फंक्शन से निकालते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही फंक्शन है इसके लिए। बेसिकली होता है कि एक्सेल में कि अगर आपको छोटे छोटे फंक्शन आते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप किसी भी तरह का फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे मत सोचिए कि सिर्फ यही फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन को मर्ज करके आप अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है इन्हें बनाने में। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसे एक बार तो देख तो लीजिए, क्योंकि देखने में बड़ा ईजी लगता है लेकिन जब करने बैठते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ देखिए इन फंक्शन को और इनको एक बार अप्लाई करिए, और बाकी क्या होना बाकी मतलब समझ जाएंगे आप मतलब किस तरीके से फॉर्मूला फंक्शन लगाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है या तो कोई आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट फीड्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।